चंडीगढ़ स्पीक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही आधुनिक किस्म का विषय है, वो है टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि नई सरकार जो केंद्र में आई है उनका एक मुख्य ध्येय जो हमारे सामने उभर कर आया है वो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट यानी कि हाथ का हुनर। बहुत साल पहले ये कर लेना चाहिए था भारत की बढ़ती आबादी को देखते हुए। अगर ये चीज़ 50 साल पहले की जाती या 40 साल पहले की जाती तो आज भारत में इतनी करोड़ों की संख्या में बेरोज़गार ना होते। हमने ज़्यादा ध्यान दिया बच्चों को स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा में। उसका नतीजा ये निकला कि किसान के बेटों ने, किसान के बच्चों ने किसानी छोड़ दी और एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों ने भी कोई हाथ का हुनर तो सीखा नहीं, लेकिन 12वीं कर ली और बीए कर ली और उसके बाद नौकरियों की तलाश शुरू हुई, तो इतनी नौकरियां हमारे पास थी ही नहीं। अगर इनको हाथ का हुनर कोई आता होता तो आज ये सभी कहीं ना कहीं अपनी रोटी कमाने योग्य होते। ये बात कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, चलिए आए तो सही। और अब बहुत बड़े स्तर पर एक मुहिम शुरू हुआ है कि टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट यानी कि तकनीकी शिक्षा दी जाए बच्चों को और साथ में हाथ का हुनर, कोई स्किल दी जाए, कोई ऐसा रोज़गार बच्चे को दिया जाए और उसका सिखाया जाए कि वो कल ख़त्म करके निकले और परसों अपने रोटी कमा सके। जैसे कि अगर आप कारपेंटर के काम सीख लेते हैं तो आप अगले दिन कारपेंटर का काम शुरू कर सकते हैं, आप प्लम्बिंग का काम शुरू कर लें, आप इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर लें, या इसी से थोड़े और ऊपर अगर आपकी शिक्षा है तो कुछ और हुनर ऐसा सीख लें जहाँ अपने हाथ से काम करना है, या तकनीकी शिक्षा जिसमें ज़रूरी है। तो इसके ऊपर चंडीगढ़ में ख़ास तौर के चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले, जब से चंडीगढ़ बना तो इतने सालों में यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, किसकी आवश्यकता आज के युग में हमें और है, ये एक विषय है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने बहुत ख़ास मेहमानों को बुलाया है। मेरे दाएं हाथ बैठे हैं अमित तलवार जो कि पंजाब काडर के ऑफिसर हैं पर लेकिन आजकल चंडीगढ़ में डेप्यूटेशन पे हैं और ये डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जाहिर है कि ये आपको अंदर की पूरी तस्वीर आपके सामने खींच सकते हैं। इनके साथ बैठी हैं नमिता धवन, ये रिसर्च स्कॉलर हैं और रिसर्च का काम करती हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो बहुत गंभीर रूप से जुड़ी होंगी इस तकनीकी शिक्षा के साथ, तो इनसे भी बहुत सा ज्ञान मिलने की हमें उम्मीद है। तीसरे यहाँ पर विवेक त्रिवेदी बैठे हैं जो कि सोशल वर्क में, जिन्होंने एमए किया है और ये चंडीगढ़ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। जाहिर है कि बहुत सी एनजीओज़ जो इस फील्ड में काम करती हैं ये उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं और उनके साथ मिलजुल के एमसी और ये काम करते हैं, तो इनसे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इन्होंने सोशल वर्क में एमए किया है। आज सोशल वर्क की एमए काफ़ी देर से शुरू हुई, शुरू ये भी बहुत पहले होनी चाहिए थी लेकिन फिर कहते हैं कि चलिए शुरू तो हुई, तो इन्होंने सोशल वर्क में एमए की। वरना सोशल वर्क एक ज़्यादातर भारत में स्वतंत्रता के पश्चात ज़्यादातर ये था स्वरूप कि किसका दिल चाहे तो वो सोशल वर्क कर ले और वो ज़्यादातर ऐसा होता था फ्री में। लेकिन अगर आप इसकी शिक्षा हासिल कर लें तो ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसके रोज़गार के जो द्वार हैं वो बहुत से खुलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हमारे चंडीगढ़ में जिससे कि तकनीकी शिक्षा और हाथ के हुनर की शिक्षा कहीं जुड़ी हुई है, तो वो इनसे जानेंगे। यहाँ पर स्टूडियो में बहुत से विद्यार्थी आए हैं चंडीगढ़ से जो तकनीकी शिक्षा में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। तो पहले अमित आपसे पूछेंगे तो चंडीगढ़ के पास क्या क्या है। चंडीगढ़ की बात करें तो हमारे जो डिपार्टमेंट के अंडर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास दो ITIs हैं जी और दो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं जी, और इसके अलावा एक डिग्री कॉलेज भी है 26 सेक्टर में जी। इसके अलावा जो फ्यूचर में एक कॉलेज की हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है पॉलिटेक्निक की, एक और पॉलिटेक्निक के लिए जी हम तैयारी कर रहे हैं जी, जिसमें लगभग 300 के करीब कैंडिडेट बच्चे हर साल आएंगे, तो 3 साल के 900 बच्चे रहेंगे उसमें, 900 की स्ट्रेंथ रहेगी। एंड इसके अलावा 4 नए ITIs भी हम प्रपोज कर रहे हैं जो आने वाले एक दो सालों में
खुलने की संभावना है। बहुत अच्छे। एक सवाल पूछना है आपसे कि आपने नया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सोचा है, प्रोजेक्ट बनाया है, तो ऑलरेडी चंडीगढ़ के ऊपर एक आरोप था बहुत अरसे से कि इनकी ITIs और इनके पॉलिटेक्निक या जो भी इनके टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं कि वो बहुत ही पिछड़े हुए थे, वहाँ पे सदियों पुराने सिलेबस चल रहे थे, अपग्रेडेशन नहीं हुई थी। आज क्या स्थिति है? बिल्कुल ऐसा रहा है कि फोकस हमारा शुरू से रहा है कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यस, और जो ट्रेड रिलेटेड फोकस हमारा मिसिंग रहा है शुरू से, जैसे आपने शुरू में भी अभी बताया है। तो अब उसकी वजह ये रही, उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं जी, बट जब ITIs की बात करते हैं तो पॉलिटेक्निक्स की बात करते हैं, उतने अच्छे रिसोर्स या उतना अच्छा उसकी क्वालिटी निकल के नहीं आ पाई है। चंडीगढ़ की नहीं, वैसे सारे भारत की बात है, पर मुझे चंडीगढ़ पे ज्यादा अफसोस इसलिए हुआ कि चंडीगढ़ के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा कहना मैं समझूंगा ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट हैं इसलिए भी नहीं जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे पूरा जो रेगुलेशन होता है या कंट्रोल होता है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा नेशनल लेवल से चलता है। अभी तक जो स्किल डेवलपमेंट था या इसके जो टेक्निकल एजुकेशन ट्रेड रिलेटेड है, वोकेशनल ट्रेनिंग है जी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ था। 20 डिपार्टमेंट्स के पास अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलते थे, एजुकेशन से लेकर नहीं था, तो इस वजह से भी निग्लेक्टेड रहा। अभी पिछले 5-7 साल से, लेट वी कैन से 2009 से जब नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट बनी है, अब ये फोकस हुआ कि इसको कन्वर्ज किया जाए जी, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाया जाए, अलग अलग तरह के प्रोग्राम है, कोई 2 महीने का है, कोई 3 महीने का है, कोई 1 साल का है, कोई, तो इन सबको एक कन्वर्ज करके एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन सिस्टम के अंदर लाया जाए, दुरुस्त आए, जैसे आपने कहा जी। नमिता, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह का काम करती हैं विभाग में? मैं एक्चुअली विभाग में मेनली प्रोजेक्ट्स देखती हूँ, प्लानिंग वर्क देखती हूँ एंड अदर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन वर्क्स। प्लानिंग में कहीं इतनी कमी कहाँ रह गई, किस वजह से रह गई? planning, कि हमारी बहुत ही पुराने आउटडेटेड हैं, उनके सिलेबस भी आउटडेटेड हैं। आपकी इंडस्ट्री जो आज की हमारी, पिछले बहुत सालों से ये चर्चा चल रही थी कि जो बच्चे ITI करके निकलते हैं वो इंडस्ट्री के लायक नहीं होते और इंडस्ट्री उनको लेती नहीं है। Actually, क्योंकि ये आपको मालूम ही होगा कि प्रोफेसर चंद्रमोहन, डॉक्टर चंद्रमोहन के, उन्होंने ये विषय उठाया था बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े स्तर पर उठाया गया कि ITIs हमारे एक ऐसे पौध खड़ी कर रहे हैं जो जो ना उनके फ़ायदे में है, ना हमारे, ना उनके रोज़गार उनको मिलना है, ना वो इंडस्ट्री के फ़ायदे में है। तो कहीं प्लानिंग में कमी रही, क्या आज कोई प्लानिंग चेंज हुई है आपकी? जो ITIs का है सिलेबस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 2014 में सारा रिवाइज करा है। 2014 लेकिन अभी उन्होंने सारा जो सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है और उसमें उन्होंने सारे चेंजेस करके 2014 में सभी ट्रेड्स का उन्होंने सिलेबस रिवाइज करा है। सो उसमें होप करेंगे भी बच्चों के उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्या इसको मार्केट से जोड़ा गया है? उसमें हाँ जी, इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी है प्रोविजन बच्चों को, ताकि प्रिंसिपल्स को कहा गया जैसे सिलेबस के लिए भी इंडस्ट्रीज में विजिट करवाया जाए, और अदरवाइज भी हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंडस्ट्री में बच्चों को विजिट करवाते हैं जी जी। सो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अमित तलवार जैसे ऑफिसर जो कि जाने गए हैं अपने पिछले रिकॉर्ड से कि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इन्होंने विभागों में किए हैं, तो मैं उम्मीद करके चलूँगी कि ये इस विभाग में भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे सामने बच्चों के लिए लेकर आएंगे। इस बातचीत को यूं ही जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए एक कमर्शियल ब्रेक की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका चंडीगढ़ स्पीक्स में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की, कितनी NGOs हैं चंडीगढ़ में जो तकनीकी शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट से, हाथ के हुनर से जुड़ी हुई हैं और किस तरह का काम कर रही हैं?
इसको बताने से पहले मैं कुछ बात रखना चाहूँगा। 1997 ऑनवर्ड्स भारत सरकार की एक प्रोग्राम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत एक स्किल ट्रेनिंग का कंपोनेंट था, स्टेप अप के नाम से जाना जाता था, स्किल ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट अमंगस्ट अर्बन पुअर। जी, तो इसकी खास वजह यह थी कि जो शहरी गरीब हैं उनको विभिन्न तरीकों से ऐसे मेथड्स निकाले गए कि इनकी गरीबी को कैसे दूर किया जाए या हटाया जाए। तो उसी क्रम में एक स्किल ट्रेनिंग जो है एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट उभर के आया कि इनको हाथ का हुनर दिया जाए जिससे अपना काम कर सकें। उसी क्रम में 2009 में एक मेजर स्टेप था पिछली सरकार द्वारा जिसमें SGSRY को रिवाइज किया गया और समय दर जो कमियां थी उनको ऊपर लाके एंड उनको रिवाइज किया गया। अभी एक और मेजर स्टेप था 2013 में जिसमें कि ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को ऐसा महसूस किया गया कि योजना ना होके ये मिशन मोड में आए, तो ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से 2013 से अस्तित्व में है और इसका क्रियान्वयन हम चंडीगढ़ में भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस समय चंडीगढ़ में हाथ के हुनर में क्या क्या सिखा रहे हैं। अभी हाथ के हुनर में जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें एक मामूली जो अनपढ़ व्यक्ति है वहाँ से लेके जो प्लस टू इवन अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं उन सभी का हमने ध्यान रखा है। अब जैसे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशंस जो है जैसे 8th है या बिल्कुल अनपढ़ है तो उसके लिए हमने डिज़ाइन किया है प्रोग्राम फैशन डिज़ाइनिंग का, जिसमें कि जो महिलाएं 18 से 35 या अंडर 40 ईयर्स हैं जिनके पास कोई काम नहीं है या परिवार का देख रेख करते हुए कभी मौके नहीं मिले पढ़ने के या कभी कमाने के साधन, तो उसमें हमने इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से जैसे टाई अप किया हुआ है तो एक पूरा कोर्स उनके लिए चलाया जाता है। साथ ही लेवल बढ़ता जाता है जिन्होंने 10th किया है, जिन्होंने प्लस टू किया है। एक ही रखा है आपने? नो, देर आर वेरियस सेगमेंट्स, मोर देन 20 सेगमेंट्स। जैसे कि नाम बताइए। जैसे कि नेटवर्किंग, अकाउंटिंग, टैली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे कि हार्डवेयर में जो है आपका असेंबलिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, इसके साथ साथ रिटेल सेल्स एंड मार्केटिंग जो हमने पिछले 2 साल पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये सब कोर्सेज तो उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ स्कूल ड्रॉपआउट्स के बारे में या जो बच्चे पढ़ नहीं पाए किसी भी वजह से उनके लिए क्या है? इनके लिए जो सपोज 10th पास करके ड्रॉप आउट हो जाता है, 10th से पहले तो उनके लिए हमने प्रोग्राम में उनको जगह दी हुई है। जैसे वो रिटेल सेल्स ज्वाइन कर सकते हैं, रिटेल सेल्स एंड मार्केटिंग। चंडीगढ़ में जिस तरह का सिनेरियो चला हुआ है मार्केटिंग का, मॉल्स आ रहे हैं, दे नीड प्रोफेशनल। हाथ का हुनर तो ना हो, हाथ का हुनर चंडीगढ़ में जिस तरह का हाथ का हुनर की आप बात कर रहे हैं उस तरह के कारीगर यहाँ की जरूरत नहीं है। जो शहर का विकास है, जरूरत है, मैं सहमत नहीं हूँ शहर का विकास। मैं नहीं, इस बात से सहमत नहीं हूँ मैं आपसे। जी अमित, हमारे को इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलते, हमारे को प्लम्बर नहीं मिलते, हमने ढूंढना हो तो वो पहले तो मिलते नहीं, मिलते हैं तो वो मुंह फाड़ के हमसे कहते हैं जी जरा से काम के लिए 1000 रुपये लूँगा। तो हमारे जो चंडीगढ़ के बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हैं कॉलोनीज़ में, हमारे पास बहुत से स्लम्स हैं और उनमें स्कूल ड्रॉप आउट बैठे हैं और उनकी संख्या हज़ारों में है, और अगर कुछ नहीं किया तो वो लाखों में हो गई और फिर वो क्राइम में जाएंगे, उनके लिए तो आपके पास कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है, हमारे ITIs में प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का सब। वो तो ITIs में जाने के लिए तो आपको पहले एक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, चाहे उसकी आपकी होएगी मिनिमम क्वालिफिकेशन। आई एम टॉकिंग ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे। जी हाँ, आप बताइए क्या है। UT चंडीगढ़ में 2008 से 3 स्कीम्स को चलाया गया, जो कारपेंटर्स हैं जो कि मतलब किसी कारपेंटर के साथ अपना काम सीख चुके हैं और उन्हें एक तरह का एक टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिला है, उसके लिए 2 प्रोग्राम्स चलाए गए, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम और कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम में उन सभी वर्कर्स को इनवाइट किया गया कि जो कि घर में या किसी के पास काम सीख चुके थे लेकिन उन्हें एक सर्टिफिकेट की एक टेस्टिंग, एक तरह के टेक्निक को सीखने की ज़रूरत थी, तो उनके लिए हर ITI और पॉलिटेक्निक में टोटल 30 जगह ऐसे सेंटर्स खोले गए जहाँ पे हर कारपेंटर जो कि काम सीख चुका है लेकिन उसको तो कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया और इलेक्ट्रीशियन हो गया जो कि घर में। इनकी सबकी अलग अलग 30-30 सीटें हैं। जी मैम। अच्छा, मैम तो इसमें जो बच्चे आ रहे हैं क्या वो कॉलोनी से ड्रॉप आउट बच्चे? कॉलोनी से ड्रॉप आउट हैं, इसमें 14 साल मिनिमम एज है, उसके बाद कोई भी आके कर सकता है। हमारे पास और कुछ ऐसे कोई किसी तरह की शिक्षा की जरूरत है? नहीं, तो है कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये हमारे पास 5वीं पास। मुझे ये लग रहा है कि इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी हमारी कॉलोनीज में क्राइम का रेट बहुत ऊपर चला गया। आपको आपने देखा ही होगा, अखबारों में पढ़ा होगा के पूरे पूरे गैंग्स बन गए बच्चों के और उसमें बच्चे जो हैं वो 6 साल से लेकर। जी जी। तो जी। अगर उनको इस किसी हुनर में नहीं डाला
तो हमारे लिए भविष्य बहुत चिंताजनक होगा। बिल्कुल ठीक है मैम, आप एक इशू जो इसके साथ लिंक्ड है वो इशू है एम्प्लॉयबिलिटी का। सबसे बड़ा जो चैलेंज इसका रहता है कि ट्रेनिंग भी हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, उसके बाद भी अगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हुआ तो देन फ्रस्ट्रेशन उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा जो पहले था लेवल। उसमें सरकार कुछ कर सकती है? उसमें जो अभी जैसे मैंने पहले कहा कि पहले जो हमारी पॉलिसी थी 2009 में आई, लेट आई, दैट वाज नेशनल पॉलिसी ऑन द स्किल डेवलपमेंट। अभी 2014 में जब गवर्नमेंट बनने के बाद, पहले तो एक कॉरपोरेशन थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 2009 में बनी थी, 2013 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बना था जी। अभी 2014 में पहले जुलाई में इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था, नवंबर में इसको फुल फ्लेज मिनिस्ट्री का स्टेटस दे दिया है ताकि सारे जो 20 डिपार्टमेंट्स का काम है ज्यादा वो एक मिनिस्ट्री के अंदर आ जाए, उस पर एक पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें स्किल डेवलपमेंट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम किया जाए, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी किसने देना है, एंटरप्रेन्योरशिप ने देना है। इसीलिए अब जो 2015 मई में नई पॉलिसी आई है, इट इज नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत बढ़िया, इससे कहीं कुछ थोड़ी सी आशा आपने हमारी बंधाई जी। मैं यहाँ स्टूडेंट्स से चाहूंगी कि वो क्या, इनको पीछे माइक दें जी। जैसे कि सर आपने बताया कि आपने एक नया पॉलिटेक्निक बनाया है जिससे बनाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है, 900 स्टूडेंट्स को जो है आप एडमिशन देंगे पर ईयर इन 3 कॉलेजेस। लेकिन क्या आपने उन 900 स्टूडेंट्स के बारे में सोचा है कि वो आफ्टर डिप्लोमा क्या करेंगे, कि अगर उन्हें आगे डिग्री करनी है तो वो कहाँ पे जाएंगे? डिग्री करने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप एग्जाम के थ्रू है, दूसरा डिप्लोमा जो करता है उसको लेटरल एंट्री मिलती है लीड प्रोग्राम के थ्रू। उसमें दे जिन्होंने पूरा अपना 3 साल का डिप्लोमा किया है वो सेकंड ईयर में सीधी एंट्री होता है, फर्स्ट ईयर एग्जाम्प्ट होता है उनको जी। उसके अंडर हमारे चंडीगढ़ कॉलेज के अंदर 10% सीट्स हैं, दीज आर ये सुपर न्यूमरी सीट्स हैं, मतलब जितनी उनको अलाउड हैं AICTE से उसके ऊपर 10% सीट्स हैं। उसमें प्रावधान है कि अगर फैकल्टी वगैरह कंप्लीट हो जाता है विच वी उसका भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स बना के फैकल्टी रेगुलर रिक्रूट कर रहे हैं, वो हो जाता है तो उसको 20 किया जाएगा। हाँ, ये विद्यार्थी कुछ यही पूछ रहे थे जी। आप सर फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, जैसे पिछले 2 सालों से यही प्रोसेस चल रहा है, हम जैसे सर अभी फाइनल ईयर में है, नेक्स्ट ईयर सर हमने डिग्री में एडमिशन लेनी है, हमारे लिए सिर्फ 4 सीट्स अभी तक लाइक जनरल होपफुल के इसको हम 10 से 20 अगले सेशन में ले जाएंगे, ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दैट। उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स थी